हेलो दोस्तों, आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया हो। जैसा कि हमको पता है नवरात्रि आने वाला, तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम हरे वाले साबूदाने की खिचड़ी बनाते। तो इसके लिए सबसे पहले मैं साबूदाना भिगोने के लिए रख देती हूँ। तो दोस्तों, ये जो साबूदाना है इसे मैंने करीबन 1 घंटे के लिए अच्छे से पानी में भिगो के रखा था। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक बोल में जितना भी साबूदाना का एक्सेस वाटर है ना वो निकाल देंगे। तो सबसे पहले तो जैसे हम पूरा भर के पानी रखते हैं ना, उस तरीके से 1 घंटे के लिए हमें रख देना है। फिर इसका एक्सेस वाटर हमें सेपरेट कर लेना है। इस तरीके से आप साबूदाना भिगोएंगे ना, आप किसी भी तरह का साबूदाना बनाएंगे, आपका साबूदाना बहुत खिला खिला बनेगा। और ये मेरी मम्मी की चुराई हुई रेसिपी है, उनका साबूदाना कभी नहीं चिपकता है, इसलिए मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अब दोस्तों, पानी से हम इसको सिर्फ थोड़े से छींटे डाल देंगे। अब हम साबूदानों को या तो ओवरनाइट सोक करके रखेंगे, और मिनिमम हम इसको 6 घंटे के लिए ढक के सोक करके रख देंगे। इससे क्या होगा, हमारा साबूदाना बहुत ही ज़्यादा खिला खिला बनेगा। अब दोस्तों, 6 घंटे के बाद ये देखिए, आप देख सकते हैं साबूदाना कितना खिला खिला बन रहा है। देख रहे हैं, ये सोख हो के एकदम दाना दाना अलग अलग दिख रहा है। तो इसका मतलब हमारा साबूदाना बहुत ही अच्छी तरीके से कुक हो गया है। तो चलिए दोस्तों, आज बनाते हैं हरा वाला साबूदाना, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक कढ़ाई ले लेते हैं, और इसमें हम डाल देंगे मूंगफली। तो मैं एक बॉल के हिसाब से मूंगफली ले रही हूँ, और मूंगफली को हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। पता है, साबूदाने की जो खिचड़ी होती है ना, उसमें मूंगफली का जो फ्लेवर होता है ना, वो नेक्स्ट लेवल आता है। इसलिए इसे बिल्कुल भी आप स्किप मत करना। करीबन 1 से 2 मिनट के बाद हमारी मूंगफली अच्छे से भुन चुकी है, तो हम इसे एक मिक्सी जार में निकाल लेंगे। आप चाहें तो इसको एकदम दरदरा पीस सकते हैं, पर मैं इसको महीन पीसूंगी। तो यहाँ पे देखिए, मिक्सी का पाउडर एकदम तैयार है, मतलब मिक्सी का पाउडर नहीं, मूंगफली का पाउडर एकदम तैयार है। अब हम क्या करेंगे, जो साबूदाना हमने भिगो के रखा था उसमें थोड़ा सा मूंगफली का पाउडर डाल देते हैं, और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, मूंगफली का जो पाउडर है वो थोड़ा सा मिक्सी जार में, उसी में मैं डाल रही हूँ धनिया। तो धनिया को हम धो के डालेंगे। आप चाहे तो इसे पुदीने के साथ भी बना सकते हैं, पर धनिया का फ्लेवर थोड़ा अच्छा आता है। मतलब फ्लेवर फ्लेवर की बात है, अगर आपको पुदीना पसंद है तो आप वो भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च। यहाँ पे मैंने नमक डाला है, सेंधा नमक जो हम व्रत में खाते हैं। थोड़ा सा चीनी भी डाल देंगे, इससे क्या होता है थोड़ा सा तीखा मीठा फ्लेवर आता है, इससे थोड़ी सी चीनी डाल रहे हैं। उसी के साथ हम डाल देंगे भुना हुआ जीरा पाउडर। आप जो चीज़ें व्रत में खाते हैं आप वो इसमें डाल सकते हैं, जो चीज़ें आप व्रत में नहीं खाते हैं वो आप सिंपली इसमें से स्किप कर सकते हैं। अब हम डालेंगे खटाई के लिए नींबू। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका एकदम पेस्ट, मतलब जो धनिया की चटनी होती है ना, वैसे हम पेस्ट तैयार कर लेते हैं। थोड़े से इसमें नींबू के बीज आ गए थे, तो उसे मैं निकाल रही हूँ इस समय पे। थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं इसे मिक्स करने के लिए। हम मिक्सी जार के पास चलते हैं, तब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे और इसका पेस्ट टाइप तैयार कर देंगे। थोड़ी सी गाढ़ी चटनी रखेंगे। तो हमारी चटनी भी यहाँ पे एकदम ज़बरदस्त तैयार है। अब हम आलू ले लेते हैं। आलू को मैं अच्छी तरीके से कट कर लेती हूँ।
कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल देंगे और इसमें हम डालेंगे मूंगफली। ये मूंगफली मैं थोड़ी सी फ्राई करके निकाली हूँ, लास्ट में डेकोरेशन में बहुत अच्छी लगती है। अब इसी तेल में हम डालेंगे थोड़ा सा ज़ीरा। ज़ीरा हमारा तड़कने लग जाए तो हम इसमें डाल देंगे आलू, जिन्हें मैंने छोटा छोटा चॉप किया था। छोटा चॉप इसलिए किया था, जल्दी जल्दी फ्राई हो जाएंगे, इसलिए अच्छे से एक बारी मिक्स कर लेते हैं। अब मैं इसे ढक लूँगी ताकि ये अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। तो यहाँ पे देखो आलू हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। एक बार ही मैं स्पैचुला की मदद से तोड़ के देख लूँगी, उससे मुझे पता चल जाएगा कि फ्राई हुए हैं कि नहीं। तो ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। हमें साबूदाने की खिचड़ी इतनी पसंद है, अक्सर लोग फास्ट में बनाते हैं, हम लोग इसे कभी भी बना के खा लेते हैं, इतनी अच्छी लगती है पता नहीं क्यों। अभी देखो अच्छे से आलू हमारे फ्राई हो चुके, तो मैं थोड़ी सी जगह यहाँ पे बना रही हूँ और इसमें डाल रही हूँ कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता भी अच्छे से हमारा यहाँ पे हो चुका है। अब मैं करीबन इसे 2 मिनट के लिए और ढक लेती हूँ ताकि जो आलू की बची हुई थोड़ी कसर है ना वो भी पूरी हो जाए। और यहाँ पे देखो आलू अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और अब हम डालेंगे हमारा बनाया हुआ पेस्ट, मतलब हमारी चटनी। तो चटनी में ना सब कुछ था, नमक वमक सब कुछ था, तो अब हमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आपको नमक कम लगे तो आप ऊपर से और ऐड ऑन कर सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे साबूदाना। मच से मिक्स करती हूँ क्योंकि उससे क्या मुझे थोड़ी आसानी हो जाती है। आपको जैसे मिक्स करना आप करें, और जैसे ही ठंडा होगा ना वैसे वैसे ये बिखरता रहेगा। तो इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। एक बार आप टेस्ट कर लेना, अगर किसी चीज़ नमक की कमी हो तो आप और ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही टेस्टी ये साबूदाने की खिचड़ी बनती है, एक बारी ज़रूर से बनाना, सभी को बहुत ही पसंद आने वाली है। आई होप आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। लगे तो इसे लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। इस नवरात्रि में ये रेसिपी मस्ट ट्राई है। सो बाय फॉर नाउ, एक और नई ज़बरदस्त रेसिपी के साथ आप लोगों को मिलूँगी।